अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें। अस्सलाम वालेकुम माय ऑल बेस्ट ब्रदर सिस्टर एंड फ्रेंड, हाउ आर यू? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें, हमेशा फूलों की तरह मुस्कुराते रहें, और अल्लाह ताला के फजल करम से और आपके दुआओं से हम भी ठीक हैं माशाल्लाह। तो करते हैं व्लॉग का स्टार्ट। मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, लाइक शेयर को मेरे पर ज़रूर करें, और अभी चलते हैं कौशल को इंजेक्शन लगवाने, वो एलर्जी वाला। सबसे पहले डॉक्टर की दुकान पे, फिर जो है बाकी माहौल भी दिखाएंगे आपको जी। तो हम पहुंच गए डॉक्टर के पास, जा रहे हैं, ये देखिए बैग पर जा रहे हैं। तो ये देखिए हमारा गांव, ये देखिए इसे इरफान क्या कहते हैं, खाते हैं फिर भी आपको दिखाते हैं। ये तो बहन भाई, हम अभी आ चुके हैं एक दुकान पे, रेस्टोरेंट पे, और अभी जो है ऑर्डर देते हैं। अच्छा भाई, वो दो आम के जूस और दो फलूदा, ये जो सामान आ गया, पानी, और ये चावल छोले चावल चने, और ये फलूदा, ये जूस, और अभी जो है हम स्टार्ट करते हैं जी। प्यारे बहन भाई, हम खाना खा रहे हैं, मतलब लंच कर रहे हैं। लंच नहीं, दोपहर वाला खा के आए थे बस। वैसे रेस्टोरेंट पे है। हाँ जी, सुलह तो मारनी है ना जी। प्यारे बहन भाई, हम खा रहे हैं, अगर जिस मेरे प्यारे बहन खा सकते हैं वो भी हमारे साथ खा रहे हैं जी। जिस बहन भाई ने खाने हैं चावल, फलूदा, जूस, जो भी खाना पीना है, वो जल्दी से आ जाए हमारे बड़े स्टाफ में। अभी हम जा रहे हैं, और ये आबादी जैसे कि पी रहे हैं पानी बादाम वाला, और ये मेरा गिलास, और ये हमारी सब्जी किया कद्दू। आज किया कद्दू लिया था ना जी। और कौशल को जो है मोर नहीं है, वो नहीं पी रहे, पीना है मिला दू, नहीं पीना सच में, नहीं पीना, फिर मुझे मत कहना। नहीं है, प्यास लगी है? नहीं लगी। प्यास लगी है? नहीं लगी। चले आपकी मर्जी, मैं तो पी लूँ। जिस बहन भाई को पीना है वो भी आता पी लूँ। आ गया मेडिकल स्टोर पे, और अंदर चलते हैं और दवाई भी लेते हैं, इंजेक्शन लगवाते हैं कौशल को। चले आए, आ जाए ना, सब्जी खड़ी रहे भाई, आ जाए आप, इंजेक्शन लगवाए अंदर। ये
तो कैसे सामान चेक कर ले आइए सब्जी। हाँ जी। और ये डिटॉल एलर्जी वाला जी। और ये आपकी वो करेंगे यहाँ लगाने वाले। हाँ जी पता है। ठीक हो गया ये रखे और सब्जी काटे जल्दी से बनाए रेसिपी। छिला जी कटाई शुरू होगी मसाला और ये आज भाभी बना रही है रेसिपी कद्दू की। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाई, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैर से होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें, फूलों की तरह हंसते और मुस्कुराते रहें। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आप लोगों की दुआओं से ठीक हूँ। तो आज बना रही हूँ कद्दू की रेसिपी। माशाल्लाह बनाए। और इधर गुड्डी। हाँ गुड्डी। ओए गुड्डी नहीं बोलता। इधर इस्तियाना कैसी हो? ठीक हो? सलाम किया। वाह जी वाह, किधर भागे जा रही हो? चलो अपनी साइकिल पे बैठने जा रही है। और कौशल कहाँ है? ओ इधर है जनाब। ये क्या हो रहा है? मंजर बाहर कर रही हूँ। चार पाइयाँ निकाल रही हैं बाहर सोने के लिए ना? हाँ जी। मैंने कहा शायद नाचने के लिए। चले निकाले। ये कौशल लेके जा रही है चार पाइये और ये हमारे वाले। कौशल इतनी धूप में डालोगी? कोई बात नहीं, ये जल जाएगी। देखो कितनी धूप है, सूरज देखो। और तेरी मौसम देखो कितना प्यारा है। चार पे जलेगी, इतनी जल्दी डाल रही हैं धूप पे, वो तो जल जाएगी। नहीं चार पे जलेगी ना, आप तो नहीं जलेंगे। अच्छा मेरी चार पे जली मतलब मैं भी जलूंगा। अच्छा आज इंजेक्शन लगवा लिया? आज फर्क आया? हाँ जी बहुत दर्द है। बहुत दर्द है? हाँ जी बाजू में। हाँ इंजेक्शन तो लगता है तो दर्द होता है। कल दूसरे साइड पे लगा था? हाँ जी कल यहाँ लगा था, आज यहाँ। चले अब कुछ महसूस होता है आराम? हाँ जी पहले से बेहतर है ना जी। पता नहीं ये कौन सी वायरस छिप गई है, एलर्जी है पता नहीं क्या है। बहन भाई बता रहे थे कि पता नहीं कौन सी वायरस थी, कोई एलर्जी बोलता है तो कोई वायरस, खुदा को पता जी। हमने तो इलाज करवाना है बस जी, हम करवा रहे हैं। आप टेंशन ना लें, इंशाल्लाह ये जल्दी ठीक हो जाएगी। आज मदनी को गिराते हैं। ओ भाई व्हील चेयर पर बार बार व्हील चेयर पर बैठ जाती है ये। आज गिराए आपको? चले आज गिराते हैं। हाँ आज रोना नहीं ठीक है? कैसे गिराऊं? चले इधर नहीं, ऐसे ऐसे जाने दो। ए यहाँ नहीं गिरी, बच गई। ऐसे जोर से भगाता तो ये गिर जाती। पीछे करो, चलो पीछे पीछे पीछे, चलो इधर करो ऐसे। चले आप गिराए। चले आप गिराते हैं आपको ये। हाँ इधर मुड़ो ना, एक हाथ से जाते ही नहीं है ये तो। ओए ओए ओ बच गई, बच गई, बच गई ना, नहीं गिरी। चले आप उठो उठो और इसको ऐसे खींच के लाओ पीछे। उठो ये फंस चुकी है और इसे यहाँ सीधा करके साफ जगह पे ले आओ। चलो 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 खींच के ले आओ। चलो शाबाश शाबाश, ले आओ और फिर चलाओ। तो जी बहन भाई इधर कटाई के पोजीशन, ये काटे हुए हैं और ये मसाला और ये छिलके और ये जो है ये दो बचे हुए हैं। भाभी मेहनत कर रहे हैं, देखिए कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह काटते काटते। तो ये भी काटे, रेडी करें। हाँ जी जल्दी बनाएं। आपको पता है मुझे बार बार भूख लगती है, बार बार। हाँ तो, 5 मिनट बाद आपको भूख लग जाती है, फिर 5 मिनट बाद, फिर 5 मिनट बाद। लगता है पेट में कीड़े हैं। कीड़े वाली दवाई ले लो ना। दवाई बार बार दवाई 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 ले ले के ना आए, कभी इंजेक्शन लगवा के आए कौशल को। और बार बार दवाई के पैसे नहीं होते, इतने गरीब हैं कि चले खैर बहन भाई माइंड कर जाते हैं इस बात पे। कुछ नहीं बस जैसे गुजर रही है। हाँ जी और जितना खा रहे हैं अपने घर से खा रहे हैं, किसी दूसरे के हद नहीं खा रहे। हाँ जी अलमियाँ दे रहे हैं तो खा जी। और ये बार बार गरीबी का जो एहसास है ना, हम दिलाते हैं बहन भाइयों को, ये नहीं करना चाहिए। बहन भाई भी तंग आ चुके होंगे। बहन भाई बोलते हैं कि आप ना भीख मांगते हो, आप ये करते हो वो करते हो, आप कोई बहाना करते हो कि हमें भीख मिल जाए, ये नया तरीका है भीख मांगने का। तो हम ना ये ऐसी बातें करके मुझे भी
अच्छी नहीं लगती है गरीबी वाली बात है, पर जो है जैसे गुजारा हो रहा है अल्लाह पाक दे रहे हैं, हम खा रहे हैं जो नसीब में होता है खा लेते हैं, जो नहीं होता नहीं खाते जी, हमें मिल रहा है तो हम खा रहे हैं इंशाल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है। हाँ जी, और अभी हम चलते हैं, घास उतर रही हैं कौसर और अम्मी, मैं जाके उनकी हेल्प करता हूँ घास उतरने में, फिर मवेशियों को भी डालेंगे। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे अपना आधा ही सब पुत्रों का आधा आपका है कोई बात नहीं, आप भी मेरे जितना खाते हो काम तो नहीं खाते। तो यहाँ उम्मीद जो है ये देखिए है, तो ठीक है अपना आधा रुक लो फिर मैं भी खाती हूँ, क्या आपको पानी पिला दूँ? मेरा तो कुछ हो गया, मुझे ना जल्दी वो क्या कहते हैं वो होने लगती है सांस चढ़ जाती है, मतलब वो क्या बोलते हैं पता नहीं, मुझे तो नाम नहीं आता। आप इतनी जल्दी भूल गए, क्या बोलते हैं? अच्छा मुझे भी नहीं पता, सांस फूलने लगती है ऐसे बोले, मतलब बाकी में बोलते हैं हौकड़ी जैसे बंदा ऐसे करता है ऐसे होने लगती है, पता नहीं कोई बीमारी है अंदर, पता नहीं कमजोरी है, सारी कमजोरी दूर करती हूँ। तो ठीक है कमजोरी है, हाँ जब मुझे कमजोरी है खून पानी की कमी हो तो ऐसा होता है। देखिए इस्तिहाना पानी पिला रही है इरफान को, माशाल्लाह वेरी गुड, ढोली ना वो देखो हंसती भी है, सलाम करो ऐसे नहीं करते, सलाम किया था पहले ऐसे करो, उस हाथ से नहीं करते इस हाथ से करते हैं। नहीं वो पानी पिला रही थी ना, यहाँ आप उधर देखो उधर कैमरा में, बाय बाय करो ऐसे भी करो, ऐसे नहीं ऐसे ऐसे, हाँ अब दुआ भी मांगो, दुआ मांगो इला। अच्छा कौशल वो अपना आप मौसम के डिटेल बताए, आज ना बादल गरज रहे हैं थोड़े। हाँ जी मौसम दिखाएं बहन भाइयों को, जी दिखाती हूँ। तो ये देखिए प्यारे बहन भाइयों आज बादल जो हैं लगता है बारिश आएगी, बहुत खूबसूरत माहौल है ये हमारा सरई। हाँ जी अच्छा मवेशियों को चारा डाल दिया? हाँ जी अम्मी ने डाल दिया, थका दिया आज मुझे वो उतरवा के चारा, कोई बात नहीं अभी इस्तिहाना जो है मुझे पानी पिला रही थी। हाँ जी अच्छा भाई की खिदमत करते हैं ना। अच्छा वो कौशल हाँ जी आज से मियाँ के नाखून काटे थे? नहीं अभी काटूंगी। हाँ वो बहन भाई बता रहे थे कि नाखून जो है बड़े हो गए इसमें जाके, जी तो वो भी काट लें। जी काट लेती हूँ। ओके फिर उधर एसपी की क्या पोजीशन है, भाभी कुछ बना रही है या देखे? हाँ जी वो अभी बर्तन कटेगा रही है। आप देख के आई? जी चलें जी पानी पीना है? नहीं आप पी, आपका हिस्सा। थैंक यू, चले फिर पानी शानी पी लिया? ये आपका। ओ तेरे एक और भर के हो, प्यास लगी है भर दोगी? चलो अच्छा कौशल हाँ जी वो जब तक भाभी रेसिपी बनाती है जी अभी बर्तन इकट्ठे हो रहे हैं। हाँ जी चले फिर वो बुनाई करेंगे तो फिर दिखाते हैं बहन भाइयों को। जी तो बहन भाई और कौशल आ गए नाखून काटने सुमैया के। हाँ जी वो देखो वो कितनी जिद कर रही है, जबरदस्ती जो है इसके नाखून काटने पड़ते हैं। हाँ बहन भाई कहते हैं कि इससे नाखून कटो, ये देखिए कितनी जिद। इस्तेहाना ने भी पकड़ा हुआ है और अम्मी ने भी पकड़ा हुआ है,
तो उसने भी पकड़ा हुआ है, तीन तीन बंदों ने पकड़ा है और फिर भी ये नाखून नहीं काटने दे रही। इसी वजह से नाखून बड़े हो जाते हैं, ये काटने नहीं। अम्मी को तो अकेले काटने ही नहीं देती और जकिया को तो अपने साथ भी नहीं बैठने देती। अभी कौसर और अम्मी और इस्तियाना तीनों मिलकर काट रहे हैं ना। इस्तियाना आपकी बहन बड़ी जिद्दी है ना, आप तो काबिल हो, काबिल है ना। अच्छा आपने नाखून दिखाओ, माशाल्लाह आपके भी थोड़े थोड़े हो गए हैं। अच्छा आप भी कटवा लेना, ठीक हो गया। चलें जी नाखून हो गए मुकम्मल। या अभी दूसरा हाथ है, वो देखे जिद कर रही है, वो काटने नहीं देते। बहन भाइयों अब इसका इलाज बताएं कि हम इसके नाखून काट सकें, क्या होगा? देखो उठाओ से किसी भी तरह, दूसरा हाथ तो काटो, एक काट दिया और दूसरा देखिए वो तो जिद कर रही है। बहन भाइयों अभी इसको ज़बरदस्ती ना इसका नाखून काटते हैं, फिर दिखाते हैं। मैं अभी चलता हूँ भाभी के पास, रेसिपी भी दिखाते हैं। और सर आप काटें, जैसे कैसे भी इसके नाखून काटें जी। हम आ गए चूल्हे में और यहाँ पर प्याज डाल दिए गए और हरी मिर्च तो साबत की डाले भाभी, क्योंकि शाम से खाते हैं ना। अच्छा थोड़ी सी काट तो लेने थे, एक दो डाल देती साबत, इसका तो असर भी नहीं होगा सालन में। नहीं मज़ा आता है ऐसे खाने में। वो तो आप उबाल के निकाल लोगे। हाँ जी बाकी क्या खाएंगे, खाली प्याज। हाँ जी चलिए टमाटर और वो किया कद्दू, आज बना रहे हैं किया कद्दू के रास्ते में और वो भी भाभी बना रही है। राइट हाँ। अच्छा ये मछली ना मुझे देना, जब इसको निकालना मुझे भी देना, मैं भी शौक से शाम से खाते ना, एक एक साथ में डाल दिया। हाँ ये तो पूरी नहीं है, हाँ ये तो पाँच है, पाँच है ना, एक अमरान की, एक मुनीर की, एक आप की, एक मेरे, एक भाभी पाकर की और बाकी बाकी नहीं खाते। चलो मैं तो एक डाले हुए हैं मसाला, हमें भी इसका मिलेगा। वाह हाँ जी चलो आप इसके बनाए करें जी। तो अभी नाखून काटे जा रहे हैं इस्तियाना के। हाँ जी इस्तियाना इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, आपको दर्द नहीं होता? आप ऐसे सुकून से कटवाते हैं ना, अच्छे बच्चे हैं माशाल्लाह। अच्छा इस्तियाना बात सुनो, इधर 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 बात सुनो, उधर देखो ये ना सर पे दुपट्टा भी पहना करो, ठीक है? ऐसे देखो सारे बाल मुंह पे आते हैं, दुपट्टा क्यों नहीं पहनते? हाँ कहो सर दुपट्टा पहनाया करो इसे जी, पहना। और भाभी जो है अभी बुनाई कर रही हैं, कद्दू की रेसिपी बना रही हैं और ये कुटी भी साथ बैठा है। ये तो बड़ा शर्मू है, शर्मू शर्म करता है और जैसे दुल्हन घूंघट में बैठी होती है, ना बोलता है ना, देखे मुंह पे हाथ रख के पता नहीं इसको अजीब काम लगे रहते हैं। अच्छा तो भाभी बना रही है कद्दू की रेसिपी, वो तो हम शायद ना दिखा पाए, आज का व्लॉग जो हमारा मुकम्मल हो गया है। तो अल्लाह पाक जो बीमार है उनको सेहत दे और जो बे औलाद अल्लाह पाक उनको औलाद दे और जो गरीब है मुझसे कह अल्लाह पाक उनकी मोहताजी दूर करे, उनके घर में और रोजी में बरकत अता फरमाए। और जो बहन भाई हमें देखते हैं हमें सपोर्ट करते हैं, अल्लाह पाक उनके नसीब अच्छे करे, आमीन, उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ खुशियाँ भर दे। और अल्लाह पाक जिस बहन भाई को औलाद दे अल्लाह पाक फरमा बरदार परहेजगार और नेक औलाद से नवाजे, और जो वफात पा चुके हैं अल्लाह पाक उनकी कब्रों को जन्नत का बाग बनाए और उन्हें जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। तो आज का व्लॉग हमारा हो गया मुकम्मल, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए हमें दे इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, प्यारे बहन भाई जिंदाबाद, आप भी बोला जिंदाबाद, प्यारे बहन भाई जिंदा, अल्लाह हाफिज़। चलो अल्लाह हाफिज़ करो, दूसरे हाथ ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, नहीं अल्लाह हाफिज़ ऐसे करते हैं, अल्लाह हाफिज़। ये लानत दे रही हो या? अच्छा ओके हो गया जी, अल्लाह हाफिज़।